हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से ममता ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने जो ये चूड़ा हाथ में पहना है वो कहाँ से लिया है, कैसा है, कितने का आया है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा मेरा ब्लॉग देखिएगा तभी पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, लेट आएगा। तो मैंने सोचा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने जो करवा चौथ पर चूड़ा पहना था वो कितने का आया है, कहाँ से लिया है, एक आया है या दो आए हैं। तो देखिए मैं उसके बारे में आज जानकारी दूंगी, और तब तक मैं थोड़े से मेरे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हैं तो वो मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सुबह मैंने धुल के डाल दिए थे, सूख गए हैं, और ब्लॉग भी मेरा लेट आए आज हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा कि चूड़ा कितने का आया, कहाँ से लिया, वो मैं बताती हूँ। ब्लॉग पूरा वीडियो जब देखोगे तभी पता चलेगा, वीडियो में मैं बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना काम भी थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि बात बात में टाइम कब निकल जाता है, बातों बातों में पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े फोल्ड करने के लिए रखें, ये चूड़ा है, ये मैं बाद में बताऊँगी आपको। ये देखिए चूड़ा है, ये है, इसका रेट मैं बाद में कंफर्म करूँगी, और बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे इतने कपड़े ढेर लगे हुए हैं, ढेर कपड़ों के, तो मैं पहले इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, बातों ही बातों में ये भी फोल्ड हो जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों का, आप लोग भी बने रहिएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, ब्लॉग भी बन जाएगा। क्योंकि मुझे 8 मिनट का ब्लॉग बनाना है तो मैंने सोचा कि चूड़ा बाद में दिखाऊंगी, पहले अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि ये भी तो करना है, ये भी तो एक काम ही है, इसे भी ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद और भी बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के आने से पहले अपना काम फिनिश कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों का फिर खाना पीना है, लंच ले गए थे लंच, तो कभी तो खा लेते हैं, कभी नहीं भी खा के आते हैं अगर उनकी पसंद करना हो। और वैसे भी लंच सुबह 6, 6:30, 7 बजे निकल जाते हैं, तो जब तक आप लंच लंच का टाइम होता है तब तक लंच ठंडा हो जाता है, कितना भी गर्म करके रखे, कैसा भी रखे, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ मैं भी फ्री हो जाती हूँ जब तक बच्चे आएंगे, तो फ्री हो जाती हो जाऊंगी तो गरम गरम खाना बना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कपड़े फोल्ड होने वाले हैं, क्योंकि धूप सही सुबह से निकल आती है तो मैं सुबह ही धुल के डाल देती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर उसके बाद कपड़े धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि फिर खाना पीना बाद में बनाती हूँ, ये अच्छे से सूख जाते हैं। अभी प्रेस करने के लिए भी कपड़े रखे हैं बहुत सारे, कुछ वो प्रेस भी करूँगी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि चूड़ा गोल्ड का है या वैसा है, तो देखिए मैं दिखाती हूँ काहे का है, मैं वो भी बताऊँगी कि सोने का है या वैसा है। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। देखिए आपसे बातें करते करते और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए ना, ऐसे ही कर लेती हूँ मैं अपना काम। बस आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जितना शॉर्ट वीडियो में देते हो ना, शॉर्ट वीडियो जितनी देखते हो उतनी लॉन्ग वीडियो देखिएगा।
देखिए हमारे कपड़े फोल्ड हो गए। अब मैं दिखा देती हूँ आपको चूड़ा, चूड़ा के रेट बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग कहोगे कि चूड़ा नहीं दिखा रही हैं और अपना काम कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चूड़ा जो है ना, मैंने अभी ये चूड़ा जो है ना मेरे पास पहले से रखा था, मैंने ख़रीदा नहीं है। और मैं कभी कभार पहनती हूँ, रोज वैसे नहीं पहना है, तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। मैंने दो तीन बार पहना है ये चूड़ा, ज़्यादा नहीं पहना है। तो ये मैंने चूड़ा लिया है आज के लगभग 4-5 साल पहले का ये चूड़ा है, आज का नहीं है। तो देखिए तब के रेट बताए दे रही हूँ मैं, अब तो पता नहीं कितने हो, हाँ अब तो बढ़ गए होंगे, लगभग डबल तो हो ही गए होंगे। तब पहले का 5 साल पुराना ये चूड़ा है, तो 5 साल पुराना है, तो 5 साल पीछे की बात तो आप समझ सकते हो कि कितने का होगा, क्योंकि अब तो रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। कुछ आप ज्वेलरी भी लो थोड़ी बहुत छोटी सी, बहुत छोटी से छोटी जो अंगूठी भी लेते हैं हम लोग, वो भी बहुत महंगी आती है। और ये गोल्ड का नहीं है, देखिए ये गोल्ड का नहीं है, पर लग रहा है कि गोल्ड का है, कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। ये देखिए ये गोल्ड का नहीं है, पर ऐसे ये मार्केट में मिल जाते हैं। मार्केट से मैंने लिया था, यहाँ मैनपुरी के मार्केट से लिया था ये, तब आज के 5 साल पहले 2000 रुपये का आया था। और अब तो मुझे पता नहीं है कि कितने रेट हो गए हैं, क्योंकि मैंने पता भी नहीं किया और मैंने पूछा भी नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और चूड़ा एक सिंगल चूड़ा है मेरे पास, क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मन्नू सो गया था और सो के जागा तो ये रोने लगा। तो देखिए मेरी गोदी में आया, मम्मा नहीं मिली बेटा, मम्मा नहीं मिली तुम्हें, इधर देखना, ये सो गया था, मम्मी इसकी ना रही है। तो ये रोने लगा, मम्मी कहाँ है बेटा, बाबू देखिए 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 कमरे में कौन कौन है, कमरे में कौन कौन है, आज बाबू ने कटिंग कराई थी। हाँ बेटा, क्या ये छिपकली है, छिपकली दिख रही है, पकड़ोगे पकड़ोगे छिपकली। देखो हम बात कर रहे थे चूड़ा की, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप ज्वेलरी की शॉप पर जाइएगा, ये गोल्ड का नहीं है, ऐसा ही है। तो ये हर जगह मिल जाएगा, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करिएगा, अपने मार्केट में जाइएगा जहाँ के आप हो। मैंने तो ये मैनपुरी से लिया था, अगर आप लोगों को चाहिए है तो मैनपुरी आइएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो मैनपुरी आइएगा, मैं दिलवाऊंगी जिस जिस को चाहिए है। हाँ क्या हुआ, कहाँ जाओगे, वो छिपकली है, छिपकली, क्या हुआ, सो गए, मम्मी नहीं मिली, चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मिलूंगी अगले ब्लॉग में। और अब मैं ले जा रही हूँ मन्नू को, मन्नू रो रहा है। हाँ चल रही बेटा, चल रही बेटा, चल रही चल रही, और भैया भी तो अंदर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।